जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए और वहाँ पर सर्च करिए आदर्श कुमार पांडे के नाम से। इस तरीके से जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रोफाइल आएगा। मोबाइल में देखेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा और कंप्यूटर में इस तरीके से। वहाँ पर नीचे में आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो जाइए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और मुझे सर्च करिए आदर्श कुमार पांडे के नाम से और वहाँ पर फॉलो करिए। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया गया है। ये जो है लिंक है, इस पर आप विजिट करिए, वहाँ पर भी आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और उसके माध्यम से आप सारी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो जाइए अनअकैडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करिए और सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि सारे वीडियोस आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आदर्श अकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके और करंट अफेयर, इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श अकेडमी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है फ्रेंड्स, www.adarshacademyeducation.com। इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, आपके जीके से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है जीके से रिलेटेड, या फिर यूँ कह लें कि आपका जो रिवीजन चल रहा है उसका ये पार्ट नंबर 26 है। फ्रेंड्स, अब तक 25 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। फ्रेंड्स, जाइए उन वीडियोज़ को देखिए, सारी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। उसके अलावा आप चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो नीचे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब का इस तरीके से बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे घंटी आएगा फ्रेंड्स, उस घंटी को भी दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, काले बटन को प्रेस करके नीला कर दीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए, जो बेसिकली यूपी पीसीएस है उस पर ज़्यादा फोकस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त में से दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि एकल नागरिकता। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, वो जो सिंगल सिटीजनशिप है उसकी बात करता है, यानी कि एकल नागरिकता की। फ्रेंड्स, प्रत्येक जो नागरिक होते हैं भारत के, वो केवल एक ही नागरिकता रख सकते हैं और वो है भारतीय। ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप निवासी वहाँ के हो सकते हैं राज्य के, लेकिन आप नागरिक पूरे भारत के होते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका में संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता है, वैसी भारत में नहीं है। अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो प्रांत की अलग नागरिकता होती है और पूरे एक राष्ट्र की, अमेरिका की, वो अलग नागरिकता होती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ फ्रेंड्स, जो नागरिकता का प्रावधान है वो संविधान का भाग 2 जो है दूसरा, उसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो है वो है आपका नागरिकता, यानी सिटीजनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा करेक्ट है नागरिकता की विशेषताओं में? तो पहला फ्रेंड्स, राज्य और राष्ट्र की दोनों की दोहरी नागरिकता, तो ये बिल्कुल गलत है। राज्य की एकल नागरिकता, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, हमारे यहाँ राज्य नहीं होता, देश होता है। अगला है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और चौथा भी देख लेते हैं, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, तो ये गलत है। तो यानी कि यहाँ पर उत्तर जो होगा वो होगा सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो किस तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती फ्रेंड्स? तो देखिए, भारतीय जो नागरिकता है फ्रेंड्स, जन्म के द्वारा, अगर आपका भारत में जन्म होता है तो बिल्कुल आपको नागरिकता मिलेगी। नागरिकता अधिनियम फ्रेंड्स जो 1955 का है, जो बाद में संशोधित भी हुआ था, यानी उसमें संशोधन हुआ था, उसमें जो है नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं, जो प्रावधान हैं, वो बताए गए हैं। फिर से सुन लीजिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि आप जन्म के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपका जन्म भारत में होता है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आगे जाकर आपका नाम जो है, आपके नाम का आधार कार्ड भी बनेगा, सारी चीज़ें होंगी, तो आप जन्म से नागरिक हो सकते हैं। दूसरा, रक्त संबंध या वंश क्रम, अगर आपका रक्त संबंध है जो भारतीयों में, भारत में रहते थे, या फिर आपका कोई वंश जो है वो भारत में रहता था, तो उस आधार पर भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, अगर रजिस्ट्रीकरण हो रहा है, यानी रजिस्ट्री हो रहा है, तो भी आप वहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने के जो है एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, देशीकरण के द्वारा, अगर आपका देशीकरण हो रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी नागरिकता आपको प्रदान हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। और लास्ट है फ्रेंड्स,
किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। जैसे आप देखे होंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि अधिग्रहण का मामला था या भूमि साझा करने का जो मामला था, अगर उस क्षेत्र का मान लीजिए कि इस तरीके से ये है भारत और ये है बांग्लादेश, अगर भारत अपना भूभाग यहाँ तक करता है और बांग्लादेश समझौते के साथ ये भूभाग दे देता है, तो ये जो आपका ये संक्रमण वाला क्षेत्र है, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति रहता है और वो भारत का क्षेत्र में आ जाता है तो वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर लेगा। इसी को बोलते हैं कि भूभाग के सम्मिलन के द्वारा नागरिकता, ये भी प्रावधान है। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर आप भारतीय बैंक में पैसा जमा करते हैं, उदाहरण स्वरूप अगर आप किसी अन्य कंट्री के बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप वहाँ के नागरिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो भारत के साथ ऐसा है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप भारत के जो नागरिक नहीं होंगे, बस एक वाणिज्यिक व्यवहार बस रहेगा कि आप जो है यहाँ पर रिलेशन रखे हैं, आर्थिक रिलेशन, ठीक है, तो आप नागरिकता इससे प्राप्त नहीं कर सकते। तो उत्तर यहाँ पर होगा फ्रेंड्स डी, भारतीय बैंकों में जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अभी फ्रेंड्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही इसका उत्तर बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसका उत्तर आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA जिसे आप अमेरिका कहते हैं, वहाँ पर फ्रेंड्स दोहरी नागरिकता सिद्धांत है। वहाँ पर फ्रेंड्स प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, पहला जो होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का होता है और दूसरा होता है वो जहाँ का निवासी होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे भारत में नहीं, लेकिन आपको समझा देते हैं, जैसे एक नागरिकता आपको भारत की मिलेगी और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो एक नागरिकता आपको उत्तर प्रदेश की भी मिलेगी, तो वहाँ पर ऐसा है, भारत में ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, मतलब कि नागरिकता अर्जित करने के लिए जो प्रावधान होते हैं, जो जो कंडीशंस होती हैं उसको बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए या उस पर कानून बनाने के लिए किसके पास पावर है, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 11 है फ्रेंड्स, उसमें बताया गया है कि किसके पास पावर होंगे। तो यहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की या कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी और फ्रेंड्स इस शक्ति का प्रयोग जो है वो संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियमित के द्वारा किया गया, मतलब उसी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता अधिनियम बनाया गया 1955 जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति का जो उपबंध है वो दिया गया है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 7 वर्ष, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स 7 वर्ष यहाँ पर बिताने होंगे, ठीक है, उत्तर है सी। देखिए फ्रेंड्स नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लास ए और सब क्लास ए, इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष 7 साल बिताने होंगे, ठीक है, तो प्रावधान है तो जाहिर सी बात है उसका करेक्ट आंसर सी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है, किसके पास ये पावर है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने 5 उत्तर हैं लेकिन इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है उसमें भारत में नागरिकता के निर्धारण का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है और इस विकल्पों में कहीं भी संसद का नाम नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो आप 6वां देख लीजिए है संसद, ठीक है, पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए भारत के सभी न्यायालयों को तो ऐसा नहीं है इस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सभी न्यायालय का मतलब यहां पर सत्र न्यायालय भी आ जाते हैं, जिला सेशंस भी आ जाते हैं, तो उनको भी नहीं दिया गया है, उनको तो दिया ही नहीं गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संसद को तो ऐसा नहीं है, संसद को लागू करने का अधिकार दिया, याद रखिएगा यहाँ पर लागू करने की बात हो रही है, और राष्ट्रपति को तो ऐसा भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं फ्रेंड्स उनको दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स संविधान का जो अनुच्छेद 13 है उसके द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, मतलब वो देख सकते हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, और ये जो शक्ति है फ्रेंड्स ये सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, और इस शक्ति के अधीन फ्रेंड्स जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं वो विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून को अधिनियम हैं उनको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, जो भाग 3 यानी मूल अधिकार में दिए गए किसी भी प्रावधान को या किसी भी उपबंध को
मतलब सही नहीं ठहराते या फिर उनको रोकते हैं या उससे असंगति रखते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मतलब यहाँ पर लागू करने का या रक्षा करने का जो अधिकार है वो डी वाले ऑप्शन को है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार क्या है यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो उत्तर है वो है ए, यानी कि वाद योग्य। देखिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडा को पूरा करने के लिए योग्य, वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है और नीति निदेशक तत्व जो है वो अवाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्शनेबल, मतलब कृत्य योग्य, और अवाद योग्य का मतलब होता है अनएक्शनेबल, मतलब अकृत्य योग्य। कृत्य योग्य का मतलब जैसे आप लागू करवा सकते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकार छीन रहे हैं तो आप उसे लागू करवा सकते हैं, लेकिन कहीं भी नीति निदेशक तत्व आपसे छीनते नहीं हैं। वो सरकार का कर्तव्य बनता है कि अपनी नीतियों में उसको लागू करे और एक जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको पूरा करे। तो यहाँ पर वादियों का मतलब जो एक्शनेबल हो, तो मूल अधिकार जो है वो एक्शनेबल है, ठीक है, और जो नीति निदेशक तत्व है वो अनएक्शनेबल है या फिर अवादी योग्य है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मौलिक अधिकार, आपके सामने चार ऑप्शन है, अब आपको बताना है कौन सा सही है। पढ़ देता हूँ, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। तो फ्रेंड्स ये गलत है, ठीक है, कुछ कंडीशंस में निलंबित भी हो रहे हैं, आगे जब आप राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, तो ये भी गलत है, प्राइम मिनिस्टर के निर्देशों से निलंबित नहीं होते। इसके अलावा राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, तो मूल अधिकार किसी की भी इच्छा पर निलंबित नहीं हो सकता फ्रेंड्स, उसके लिए प्रावधान हो सकता है पर इच्छा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही ऑप्शन में बताया था कि आपातकाल इमरजेंसी के टाइम में राष्ट्रपति के पास कुछ पावर होते हैं तो उसके तहत होता है, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकार जो हैं वो नैसर्गिक या फिर कह लें कि हमारे जन्म के साथ ही वो अधिकार हमें मिल जाते हैं, जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है कि राज्य ये काम नहीं करेगा, किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कानून पारित कर दिया जाएगा कि आप वातावरण में घूम नहीं सकते या फिर ऑक्सीजन नहीं ले सकते, ये चीज़ों पर कानून नहीं बन सकता क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो है आपातकाल स्थिति में ही केवल निलंबित किया जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 362 में फ्रेंड्स मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित कुछ प्रावधान, कुछ उपबंध, कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे जब हम उसकी बात करेंगे। तो उत्तर यहाँ पर जान लीजिए डी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन का सीरीज था समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।